सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हैं, परंतु स्टूडेंट्स की बस ये मांग है, उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ लेट रिजल्ट एक्युमुलेशन। अब स्टूडेंट्स ये चाहता है कि हम लोगों को सबको जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल किया जाए। बेशक हमारी सप्लीमेंट्रीज है, हमें एक मर्सी चांस मिलना चाहिए कि हम अपनी सप्लीमेंट्रीज भी क्लियर कर पाएँ और हम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में भी एलिजिबल हो पाए, ताकि हमें ड्रॉप आउट ना करना पड़े। उनका अगर बैच ड्रॉप आउट होता है सर, सीधे सीधे 3 साल वेस्ट होते हैं उनके, कुल मिला के 6 साल में उनकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो आपको इस विषय पे संज्ञान लेना चाहिए। उनको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा तो फीस का भी, तो सर फीस का भी इशू है। नहीं सर, यही पॉइंट्स है, विद्यार्थी बस इतनी मांग कर रहा है कि उनके 3 साल आप सेव कर सकते हैं उनको, चाहे वो 2 सब्जेक्ट फेल हैं, 3 वाले, बस उनको एक सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने दिए जाए जी। नहीं सर, बस इतनी ही डिमांड है। पहली बात कि जब आदमी कोई एडमिट होता है बच्चा, उसको स्टैट्यूज पता होते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं 1 से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स में फेल होऊंगा, मुझे आगे प्रमोट नहीं करने दिया जाएगा। जब इनके नॉर्म्स जो हैं वो हमने नहीं बनाए हैं, ये ऑल इंडिया लेवल के नॉर्म्स हैं। वन सेकेंड थिंग, इस केस में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस रिजल्ट लेट हुआ, उससे बच्चा प्रमोट हुआ। आपने लिखा है April 2023 में वो प्रमोट हुआ सेकेंड सेम में, उसके बाद उसको पता चला कि मेरा फेलियर आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसके सप्लीमेंट्री का चांस उनको नहीं दिया गया। यही आपका पॉइंट यही है ना, बट उससे लेट होने से रिजल्ट बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरी फिर भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडीज़ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, ताकि ये पेपर्स आपके पास हों। आप तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, कोई प्राइवेट, एक मिनट बोलने दीजिए फिर मैं सुनूंगा आपकी। एक तो वो ये बात है, दूसरा जहाँ तक आपका रह गया सप्लीमेंट्री का, आप 2 दिन पहले भी आए थे, जैसे आप आए थे हमने इमीडिएट डीन मैडम को भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है यहाँ एकेडमिक मैटर डिसाइड करने का। डीन जो मेडिकल साइंसेज के, हमने उनको भेजा था कि इनकी सप्लीमेंट्री डेट शीट हमें भेजे, और शायद आप, हमने उनको भी कहा और आपको भी ये बताया था कि 23rd से हम प्रपोज कर रहे हैं आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करवाने के लिए, वो आपको भी शायद इंटीमेट हुआ था सभी को। फिर भी आप दोबारा आए हैं बात सुनने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ से डेट शीट आ जाएगी, हम सप्लीमेंट्री आपका एग्ज़ाम करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि पहले आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। जो आपका बात है कि सेकेंड के लिए हमें एलिजिबल किया जाए, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्टैट्यूज है, अगेंस्ट द रूल्स है। जिस बच्चे का फर्स्ट में 2 पेपर से ज़्यादा फेलियर है, वो सेकंड का इम्तिहान ऑल इंडिया नॉर्म्स के तहत नहीं दे सकता। मेरे नहीं है उनको, मैम एक मिनट बोलने देना, उसको वहाँ पे उसको रिलैक्स करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। हाँ, जहाँ हमारी कोताही रह गई है, जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिला सप्री का देने का, वो हम टाइम आपको देंगे। सेकंड का डिले करना है, डीन से बात करके वो डिले करेंगे, या उसका जैसे भी रास्ता निकलेगा आपके फेवर में होगा। जो हमारी गलती रह गई है, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री का टाइम नहीं मिला। अब आप बोलें प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ना, इंजीनियरिंग, MBBS, MBA, BSc, पैरामेडिकल, इसमें मर्सी का वर्ड कहीं नहीं है, क्योंकि इन लोगों के स्टैट्यूज में, रूल्स में मर्सी का कहीं चाहिए। तो हम लॉजिकल बात करते हैं जो स्टैट्यूज में, अगर आप कोई उनकी नोटिफिकेशन लगाते हैं, कोई उनकी नहीं, ऐसे हेयर से नहीं होता है, अगर आपके बच्चे कोई उसकी नोटिफिकेशन, आप बोलने पहले जहाँ तक कोविड का है, वो सारे बेनिफिट सब बच्चों को एक्सटेंड हुआ, और वो लास्ट ईयर सारे खत्म हो गए। अब कोविड का कोई किसी को देना नहीं बनता है। बाकी मेरी बात ये है कि आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन अगर आपके पास है, जहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेकंड ईयर में अलो किया है मोर देन 1 सब्जेक्ट के बच्चे को अपीयर करने के, प्लीज़ उस नोटिफिकेशन को मैं भी देखूंगा वेबसाइट पे, पर ऐसी नोटिफिकेशन ना वेबसाइट पे मिलती नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन पे ही बच्चे एक दूसरे को बताते हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ऐसी कोई, मैं आपकी जिम्मेदारी लगाऊंगा, आप ये नोटिफिकेशन मेरे पास लाएँ, हमें ये केस बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और सर रीवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे उनको दिया गया, मैं आपकी बात, मैं कहीं मैं काट ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ।
बिलोरिया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आज मैं जो है वो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की सपोर्ट में विद्यार्थी परिषद जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में आई है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है इनके बैच ड्रॉप का केस है और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को लेकर के ये मांग कर रहे हैं। पहला पैरामेडिकल का बैच है जम्मू कश्मीर का, और कोविड होने के कारण इनका रिजल्ट डिले हुआ है और इनको जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने का मौका नहीं मिला है, और ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने का मौका मिले और साथ ही इनको सेकेंड ईयर के एग्जाम में बैठने दिया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकी सप्लीमेंट्री, ताकि इनका जो है वो साल ख़राब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से इनका रिजल्ट डिले है और 3 साल जो है हो चुके हैं। जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट फर्स्ट ईयर में आना चाहिए था वो 3 साल बाद आया है, तो आगे इनका टाइम ख़राब ना हो, इनको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने दिए जाए, इनको एलिजिबल किया जाए सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने में, ताकि इनका बैच ड्रॉप ना हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनके नॉर्म्स, ताकि ये लोग जो है अपनी डिग्री जो है ऑन टाइम कंप्लीट कर सके। जी बिल्कुल, कॉलेजेस अभी हमारी कंट्रोलर सर से भी बात हुई है, कॉलेजेस की तरफ से रिजल्ट उन्होंने ऐसा कहा है कि लेट हमारे पास पहुंचा था, और कोविड की परिस्थितियां आप सबको ध्यान में है कि कोविड की वजह से भी कुछ जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, परंतु फिर अभी अगर आप लोग ये दलील दे रहे हैं कि कोविड की वजह से जो है वो रिज़ल्ट लेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो है वो इन स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, और इन स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है, अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं पता, परंतु ऐसा कहा गया जा रहा है इन स्टूडेंट्स की वजह से कि कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी के स्टूडेंट्स को भी जो है मर्सी चांस और रिलैक्सेशन मिला है, तो इनको भी एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के चांस जो है वो मिले, ताकि इनकी भी डिग्री कम्प्लीट हो पाए और इनके साल जो है वो ख़राब ना हो। कम से कम 90% स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो फेल आया है, मतलब सप्लीमेंट्रीज आई हैं, तो कम नंबर नहीं है, आप लगा के चलिए 86 से तो ज़्यादा ही नंबर है ऐसे स्टूडेंट्स का जो फेल हुए हैं, डोडा रियासी फिर कठुआ जीएमसी जम्मू के स्टूडेंट्स को मिला करके। बस ये चाहते हैं कि सबको एलिजिबल किया जाए एग्ज़ाम्स देने के लिए, ताकि ये लोगों की पढ़ाई सफ़र ना करे, और काफ़ी दिनों से यहाँ आ रहे थे, इनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा था। आज जो है कंट्रोलर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इनकी प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो मेडिकल की उनके साथ बैठ करके जो है कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, तो हम होपफुल होप लेकर के जा रहे हैं कि इनका इशू जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट किया जाएगा।